कैसे हैं आप सब? भाई मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और आज मुझे अपनी क्वीन से बात करने का मौका मिल रहा है तो और भी बढ़िया हो गई। पिछले कुछ दिनों से मेरी क्वीन्स की एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगा आज उसी बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए। बहुत अंदर से फील करती हूँ उस बारे में, इसलिए सोचा आपसे बात करूँ। भाई चाहे इंडिया का कोई भी स्टेट हो, चाहे डुबलिन जर्मनी से बात कर रही हूँ, चाहे कनाडा से कोई मैसेज आए, कहने का मतलब ये है कि दुनिया के किसी भी कोने से जब मेरी क्वीन मुझसे अपने बच्चों के बारे में बात कर रही है तो उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम है हर जगह। क्या कॉमन प्रॉब्लम? डॉक्टर शिवांगी, मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी ही तरह पढ़ाई में एवरेज बनते जा रहे हैं। मुझे हमेशा से मेरा सपना था कि मेरे बच्चे, जिस तरह से मैं पढ़ाई में एक्सेल नहीं कर पाई, मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत ऊंचाइयों पर जाएं। मेरा सपना था कि जैसे मुझे कभी अंग्रेजी बोलने नहीं आई, फराटेदार अंग्रेजी दूसरों को बोलते हुए सुनती थी तो ऐसा लगता था चलो मैं नहीं सीख पाई, मेरे बच्चे हमेशा फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। लेकिन आजकल जब कोई भी उनके अंकल आंटीज उनसे बात करते हैं, अंग्रेजी में क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, तो वो चुप्पी सी साथ जाता है या फिर हिंदी में जवाब देता है। मुझे बड़ा इंसल्टेड फील होता है, मुझे बड़ा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता है, इंफीरियर फील होता है कंपेयर टू उन लोगों के जिनके बच्चे अंग्रेजी में बात कर पाते हैं। डॉक्टर शिवांगी, मैं हमेशा से अपने बच्चे के अंदर कोई टैलेंट देखना चाहती थी, उसे टैलेंट शोज पे भेजना चाहती थी। मेरे पड़ोस में ही जो है लेडी, वो अपने बच्चे को हर टैलेंट शो में भेजती है, और वो इतना सुंदर गाता है या इतना अच्छा नाचता है कि उन्हें गर्व महसूस होता है, लेकिन मेरे बच्चे में तो ऐसा कोई टैलेंट ही नहीं। एक बात बताओ क्वींस, जिन सपनों को आप कभी पूरा नहीं कर पाई, अपने बच्चों के प्यारे नाजुक कंधों पे उन सपनों का बोझा डाल के उसे कहाँ ले जाना चाहती हो? आपका बच्चा खूब मजे में जिंदगी जी रहा है, उसे कुछ इस तरह से कि उसे कोई परवाह ही नहीं, कार ड्राइव कर रहा है अपने जीवन की, उसे कोई परवाह नहीं कि साथ वाला इंसान कार कहाँ ले जा रहा है, कितनी स्पीड पे ड्राइव कर रहा है, वो अपनी स्पीड पे आराम से शांति के साथ चला जा रहा है। आप क्या करती हो? आप उसे झुंझलाती हो, बेटा जाग जा, जाग जा, देख साथ वाला कितनी स्पीड पे जा रहा है, तू 60 किलोमीटर पे चल रहा है, वो 80 किलोमीटर पे अपनी कार चला रहा है, देख कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कितनी आगे पहुंच गया। फिर वो क्या कर सोचता है? अपनी माँ की आंखों में देखता है, जिन आंखों में सराहना देखना चाहता है, जिन आंखों में जो छोटे छोटे एफर्ट्स वो हर रोज कर रहा है ना आपको खुश करने के लिए, उस उन एफर्ट्स के लिए प्रेज देखना चाहता है कि मेरी माँ मुझे ये कहेगी कि बेटा मुझे तेरे पे गर्व है, तू बहुत अच्छे से कर रहा है, जो चीज करता है उसे मन लगा के 100% करने की कोशिश करता है। लेकिन नहीं, आप उसे क्या कहते हो? तो पीछे रह गया रे, देख कितना कंपटीशन है बाहर, देख तेरे साथ वाला 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है और तू अभी की अभी बस 40 या 60 के ऊपर ही है, कैसे जीतेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? वो क्या करता है? सब छोड़ देता है। क्या वो आराम से म्यूजिक सुन रहा होता है, जीवन के म्यूजिक में व्यस्त होता है, आराम से खाना पीना कर रहा होता है, खुश हो रहा होता है, चलते फिरते सबको हेलो टाटा बाय बाय कर रहा होता है, अपनी स्पीड से अपनी लाइफ जर्नी जी रहा होता है? लेकिन हमें तो ये बात पसंद नहीं आती, हम चाहते हैं कि वो उस दौड़ में बावड़ा हो जाए, पागल हो जाए, लेकिन वो दौड़ जरूर जीते। अब एक बार मेरी एक सहेली से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा तू क्या चाहती है, तू किस लिए खुश नहीं है? कहता यार मेरा बेटा है ना, वो फर्स्ट नहीं आता, क्लास में फर्स्ट नहीं आता,
अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, उसके ना पिछली बार 80% आए, इस बार 85% आए, और क्लास में फर्स्ट नहीं आ रहा। लेकिन मैंने कहा अच्छा, तो ऐसा करते हैं, मैं तेरे बेटे को एक कुछ गुरु मंत्र देती हूँ, वो मंत्र करेगा तो इस बार उसके 85 नहीं 90% मार्क्स आएंगे, तो तू खुश है ना? तो कहती है हाँ, फिर मैं खुश हो जाऊंगी, 90% अच्छे मार्क्स है। मैं कहा लेकिन वो क्लास में तब भी फर्स्ट नहीं आएगा, तब तो तू खुश है ना? फिर वो सोच में पड़ गई। तुझे चाहिए क्या? तेरा बेटा जो कल था उससे बेहतर आज है, ये तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तेरे बेटे से बेहतर दूसरों के बच्चे हैं, वो तेरे लिए मायने रखता है, वही रख रहा है ना तुम्हारे लिए भी मायने, है ना क्वींस? बच्चे तुम्हारी आंखों की तरफ देखते हैं, मेरी मम्मी कैसा लग रहा है? मेरी मम्मी को मैंने ये काम किया, मैंने कल से 5 मिनट ज्यादा पढ़ाई करी, मेरे पिछली बार 10 में से 6 मार्क्स आए थे, इस बार क्लास में 6.5 लाया हूँ मम्मी। हट पागल, 6.5 कोई मार्क्स है? 6 और 6.5 में कितना फर्क हो गया? 10 out of 10 कब लाएगा? या 8 out of 10 कब लाएगा? जब 8 लाता है तो 10 out of 10 कब लाएगा? मुझे डॉक्टर शिवांगी, मेरे बच्चे में कोई टैलेंट नहीं दिखाई देता, क्योंकि तुम लोगों ने चश्मे पहन रखे हैं एक ही तरह के टैलेंट को देखने के लिए, निहारने के लिए, उसे तवज्जो देने के लिए। टैलेंट मतलब सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, वोकल स्किल्स, और क्या टैलेंट होता है? और कोई टैलेंट नहीं होता इसके अंदर, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल अनटैलेंटेड है। कभी सोचा है ऐसा कभी हो भी सकता है कि भगवान के बनाए हुए किसी भी क्रिएशन में सिल्वर लाइनिंग ना छुपी हो? काले बादल की भी सिल्वर लाइनिंग होती है, तुम्हारे बच्चों की नहीं होगी? कंसंट्रेट नहीं करता पढ़ाई में, कंसंट्रेशन बनाने के लिए बच्चे को आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिएक्शन की वेट होती है। आप जब बच्चे को सामने से एक सुंदर, सुहावना, प्लेजेंट एटमॉस्फेयर दोगे पढ़ाई करने का, तो फिर देखना उसकी कंसंट्रेशन कहां से कहां पहुंच जाती है। जब वो बच्चा पढ़ने बैठता है उसके मन में एक डर होता है, अगर मेरे मार्क्स ना आए तो मेरी मम्मी मुझे ठीक कर देगी, मेरी मम्मी ने मेरे हाथ में लाठी ले ली, या मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारने, या मेरी मम्मी मेरे पापा से कंप्लेन कर देगी। ऐसे डर के साथ आपका बच्चा फुल पोटेंशियल अपना दे ही नहीं पाता। उसकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके रिएक्शन की है। आपके रिएक्शन के डर की वजह से वो अपना पोटेंशियल नहीं दे पा रहा है। आपने क्या उसे प्यार से बैठ के कितनी बार समझाया होगा? क्या आपकी डांट से आपने जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है उसके लिए बचपन से, कि मम्मी अगर इस वॉल्यूम पे बात कर रही है तो बात ओके गंभीर है, इस वॉल्यूम पे बात करेगी तो बात बहुत सीरियस है, इस वॉल्यूम पे तो यानी कि पानी सिर के ऊपर से है, भाई मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप शुरू से उसके लिए एक ही मध्यम वॉल्यूम बना के रखें, उस बच्चे को एक पॉजिटिव प्लेजेंट रिएक्शन दें, तो आपका बच्चा कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा ना उतरे। सेकेंडली, अपनी एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई, रॉकेट हाई मत लेके जाओ। हर बच्चे की अपनी एक सोचने समझने की, परफॉर्मेंस देने की क्षमता होती है। उस क्षमता को साइकोलॉजिस्ट्स भी कहते हैं कि बढ़ाने का एक ही तरीका है, कि आप अपने बच्चे की प्रेज करें, उसे एप्रिसिएशन दें, जितना हो सके उसके एफर्ट्स के लिए उसको एप्रिशिएट करें, चाहे आपका बच्चा दूध पीता छोटा सा नोना सा काका हो, या 12वीं 11वीं का, या एक टीनेजर हो। हर बच्चे को अंदर से अपनी माँ के दिए हुए क्रेडिट की भूख होती है, और जब उसकी ये भूख पूरी हो जाती है ना, तो वो अपने रियल पोटेंशियल के साथ
लाइफ में ऊंचाइयों को छूता है। क्वींस, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को समझने के लिए अपना नजरिया बदलो, अपने नजरिए को इंटर स्टूडेंट कंपटीशन से हटा के केवल और केवल मात्र अपने बच्चे का उसका खुद के साथ के कंपटीशन पे फोकस करो। उससे बोलो, बेटा हमारा किसी और से कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन हमें खुद के अंदर की काबिलियत को आगे से आगे, ऊपर से ऊपर लेके जाना है। क्योंकि काबिलियत एक मसल की तरह होती है, जितना हम उसको धीरे धीरे करके ट्रेनिंग देके खींचते हैं, वो मसल उतनी ही डेवलप होती है। ये काम करना है आपने अपने बच्चों के साथ। आज मेरे घर पे मेरी भी एक सहेली आई थी, उसके सामने मेरे बच्चे ने भी थोड़ा सा नीचे लेटना, मुंह बनाने, शर्ट ऊपर करके पेट पे खुजाना, नाक में उंगली मारना, ये तो सब बच्चे करते हैं। अगर मैं इस चीज को पर्सनली ले लूं कि मेरी सहेली के सामने क्या सोचेगी, वो डॉक्टर शिवांगी है, कोच है, अपने बच्चे को ही नहीं ट्रेनिंग दे पाई। अरे नहीं भाई, बच्चे का सोचने, समझने, ट्रेनिंग लेने का भी अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी स्पीड होती है। हर बच्चे को खुला वातावरण दें, उससे आपको अगर उसके किसी भी बिहेवियर से तकलीफ है, उससे प्यार से बिठाकर बात करें, बातचीत करें, उसके सामने कहानियां बुने, स्टोरीज के थ्रू उसको समझाने की कोशिश करें, अपने पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल्स को एक हम्बल तरीके से उसके सामने रखें। ऐसे नहीं कि तुम्हारे टाइम पे तो हमारे पास बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, हम फिर भी ये कर देते थे, तुम इतना नहीं कर सकते, तुम्हें हमने इतनी फैसिलिटीज दी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। यही सोचेंगे कि भाई ये लोग तो जब भी खुद का एग्जाम्पल देते हैं तो एक हीरो के समान देते हैं कि हम देखो हमने क्या झंडे गाड़ दिए, और तुम्हें इतनी सारी हमने सहूलियत दे रखी है तो तुम इतना सा काम नहीं कर पा रहे। ये एनकरेजमेंट का सोर्स नहीं, डिस्करेजमेंट की बातें हैं। इन बातों से छुटकारा पाओ। बच्चे को पहले प्रशंसा दो, और हर प्रशंसा के अंदर जेन्युइन स्माइल रखो, जेन्युइन फीलिंग्स रखो उनके लिए। आपके बच्चे बहुत लायक हैं, मेरी सभी क्वींस के बच्चे बहुत लायक हैं और बहुत आगे जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बस जरूरत है तो उन्हें अपने माँ के प्यार की और अपनी माँ की आंखों में अपने लिए भरपूर आशीर्वाद और भरपूर प्रेज की। ठीक, मेरी क्वीन समझ गई है। आई लव यू ऑल। आप बहुत अच्छी माएं हैं, आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेंगी।